क्या आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी जो पढ़ी लिखी हो, जो नौकरी करती है, वह अपने पति की हत्या कर सकती है? या आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम यह कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ, यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आया है, जहां पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने ही पति की उसी के गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने अपने पति के शव को घर के पीछे ले जाकर एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। बदबू फैली तो महिला ने खुद हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए परासिया ले जाया गया, जहां से छिंदवाड़ा उसे भेज दिया गया। छिंदवाड़ा में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी बताती है कि महिला शीला, जो आंगनबाड़ी में काम करती है, उसका अपने पति किशोर से विवाद हुआ था, और विवाद के बाद उसने अपने 58 साल के किशोर पति की गला घोंटकर हत्या करने के बाद महिला ने शव को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया। शव टैंक में छिपाकर उसने ढक्कन बंद कर दिया। जब बदबू फैली तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी मिली, और जैसे ही परिजनों ने यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा तो पुलिस को बताया। पुलिस गई और पुलिस ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई की है। फिलहाल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने ही पति गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस में छिंदवाड़ा। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22।